मेरी नू और आप सब कैसे हो फ्रेंड्स। तो काफ़ी दिनों के बाद मैं टेरिस पे आई। रेनी सीजन है, बारिश हो जाती है तो ज़्यादा मुझे आने की ज़रूरत नहीं पड़ती है फ्रेंड। तो मैं काफ़ी दिनों के बाद आई और मैंने देखा कि मेरे अलमंडा में बाहर से आई हुई है। ये देखिए मेरा पिंक अलमंडा है और मेरे पास येलो अलमंडा भी है। तो ये दोनों वाइन है फ्रेंड मेरे पास जो है। और देखिए कितना खूबसूरत, इसमें मैं फ्लावर गिन भी नहीं पा रही हूँ। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये डेली ऐसी फ्लावरिंग कर रहा है फ्रेंड। बहुत अच्छे से फ्लावरिंग दे रहा है मुझे। और ये 12 इंच के पॉट में लगा हुआ है इसकी। ये देखिए खूबसूरत सी बर्ड्स है। इसकी बर्ड्स भी इतनी खूबसूरत है जितने खूबसूरत इसके फ्लावर हैं फ्रेंड। मेरे पास येलो कलर का भी है। और देखिए उधर भी काफ़ी फ्लावर आए हुए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, इतना खूबसूरत लुक ये मेरे गार्डन को दे रहा है। इसके फ्लावर देखिए फ्रेंड पिंक और पर्पलिश कलर में हैं, बड़े खूबसूरत हैं। जितने खूबसूरत ये वाइन है उतने ही खूबसूरत इसके लीव्स हैं फ्रेंड। काफ़ी प्यारी प्यारी लीव्स हैं, काफ़ी ग्रीनरी है इस वक्त गार्डन में। इतने फ्लावर खिल रहे हैं कि मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ। चारों तरफ फ्लावर ही फ्लावर हैं और सारे प्लांट्स में जान सी आ गई है। इसकी मिट्टी मैंने वेलड्रेन बनाई है फ्रेंड। और एक पार्ट रिवर्स एंड, एक पार्ट काउ डंग और एक पार्ट रिवर्स एंड लेके मैंने अच्छी सी मिट्टी इसकी बना ली थी। और मैं नीम की खली मैं 15-20 दिन में इसमें डालती रहती हूँ। नीम की खली अगर आप अपने प्लांट्स में यूज़ करते हैं तो कोई भी आपको फर्टिलाइज़र यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और मैं मस्टर्ड के का फर्टिलाइज़र भी अब इनको देना स्टार्ट कर दूँगी क्योंकि मौसम चेंज हो चुका है। तो इतने खूबसूरत फ्लावर पाने के लिए थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी और इसकी जो है 15-20 दिन में आपको गुड़ाई करते रहना है फिर। तो देखिए काफ़ी खुशी से झूम रहे हैं, बहुत ही अच्छा मौसम है, सारे प्लांट खूब अच्छे से झूम रहे हैं। मुझे तो लग रहा है काफ़ी प्लांट मेरे नुकसान भी होने वाले हैं इतनी तेज़ हवा में। खैर ये तो कुदरत का नियम है और हमारे प्लांट रेनी सीज़न में मस्ती में झूम रहे हैं फ्रेंड। इनको दिन भर में एक बार पानी चाहिए। अगर आपके रेनी सीज़न होती है, बारिश होती है, तो आप मिट्टी और पानी चेक करके अपने प्लांट्स में दीजिए, क्योंकि अगर आप अपने प्लांट्स में ज़्यादा वाटरिंग कर देंगे तो ये प्लांट ख़राब हो जाएगा। तो आप इसका ड्रेनेज होल रेनी सीज़न में अच्छे से बना लीजिए और आपको चेक करते रहना है कि कहीं पानी तो नहीं भर रहा है आपके पॉट में रेनी सीज़न में। ये ज़रूर आपको ख्याल रखना है। रेनी सीज़न का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम ये है कि आपके पॉट में पानी नहीं रुकना चाहिए, आपको तुरंत पानी हटाना है। अगर आपके पॉट में पानी भर भी जाता है फ्रेंड्स तो तुरंत आप उसका पानी पलट दीजिए। रेनी सीज़न जैसे बारिश खत्म होती है आप आके चेक करिए और उसका पानी पलट दीजिए। तो काफ़ी खूबसूरत है, इसमें आप बोन मील भी ऐड कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट तो आप दे ही सकते हैं। हल्की हल्की बारिश के साथ मैं ये वीडियो बना रही हूँ, बहुत खूबसूरत मौसम है और मैं फुल इंजॉय कर रही हूँ फ्रेंड। आप भी अपने रेनी सीज़न को इंजॉय करिए और काफ़ी अच्छे फ्लावर हैं। चलिए मैं आपको कुछ अपने गार्डन का व्यू दे देती हूँ। जो फ्लावर खिले हैं मैं आपको दिखा देती हूँ, काफ़ी फ्लावर खिल रहे हैं। आइए फ्रेंड्स चलते हैं। तो ये मेरा फेवरेट प्लांट है फ्रेंड्स हिमेलिया। ये समर में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है और मुझे बहुत ही खूबसूरत लगता है, काफ़ी खूबसूरत प्लांट है फ्रेंड। मैंने इसकी कटिंग भी लगाई और मैं सक्सेस भी हूँ। मैं कटिंग पे मेरी वीडियो बनाना चाहती हूँ, मैं बनाऊंगी इंशाल्लाह बहुत जल्द। ये देखिए हमारे हिबिस्कस कितने अच्छे अच्छे खिल रहे हैं, कितने बड़े बड़े फ्लावर है, देखिए बिग साइज के, कितना अच्छा लग रहा है। देख रहे हैं काफ़ी फ्लावर हैं, इधर भी खिले हुए हैं, नीचे नीचे भी। फ्रेंड देखिए मैंने हिमालय की कटिंग लगाई थी हिमालय की और देखिए ये सक्सेस भी होगी। मैंने सारी कटिंग लगाई फ्रेंड और मैं सक्सेस हुई हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है। मैं जब कटिंग लगाती हूँ वो सक्सेस हो जाती है फ्रेंड। मेरी ज़्यादातर सारी कटिंग सक्सेस हो चुकी है और मैं काफ़ी खुश भी हूँ कि मैंने कटिंग लगाई और मेरी सक्सेस हो गई है। तो चलते हैं फ्रेंड, फिर मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में।
नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग। आप अपना अपने प्लांट्स का ख्याल रखिए फ्रेंड, और इस रेनी सीजन को भी एंजॉय करते रहिए फ्रेंड। काफ़ी अच्छी अच्छी गार्डनिंग लगा सकते हैं आप, प्लांट्स खरीद सकते हैं, बहुत ही अच्छा मौका है आपके पास। तो बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।